बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन समारोह संपन्न। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया में बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर शशि भूषण तिवारी शामिल हुए, जिन्होंने रिबन काट एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। स्कूल के डायरेक्टर प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि बचपन प्ले स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल है, जिसमें 2 से 6 साल के बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जाएंगी। स्कूल में एवी रूम, ऑडियो विजुअल रूम, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस एवं बेहतरीन स्पोकन पेनजो किताबें बच्चों से बातें करती हैं, जिससे बच्चे खेल खेल में शिक्षा लेने का काम कर सकते हैं। स्कूल में एक्टिविटी रूम, जिम रूम, बॉल पूल भी है। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करें। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। स्कूल के पूरे देश में 1200 से भी ज्यादा शाखा है। भारत के 400 शहर पे जो है बचपन प्ले स्कूल जो है मौजूद है। हम लोग पूरे भारत में 2 लाख के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 10,000 हमारे टीचर्स हैं। जहां तक बचपन प्ले स्कूल का सवाल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल है, जहां पे 2 से 6 साल के बच्चों को जो है फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। बचपन प्ले स्कूल के किताब जो है, जो बुक्स है, वो बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीको पेन है। कोई भी कैरेक्टर को उसको टच करवाएंगे, वो पेन जो है बोल पड़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो ई लर्निंग फैसिलिटी है, जिसको स्मार्ट क्लास बोलते हैं, वो जैसे किताबों में जो कैरेक्टर्स है, जो चीज़ें हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया। जो इसकी हेड ऑफिस दिल्ली से है, मेरा नाम DC रॉय है, मैं नेशनल हेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हूँ, ट्रेनिंग डिवीजन का हेड हूँ पूरे देश का, जो दिल्ली हेडक्वार्टर से मैं आया हुआ हूँ। और सबसे अहम बात जो है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी जो है टाइम टू टाइम बच्चों के परवरिश प्रक्रिया के लिए एजुकेट किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। अब सर साहब को मैं कुछ बोलने के लिए बोलूंगा। सर जैसा कि सर इसको देखा गया है, गुरुकुल का मॉडर्न वर्जन आप अपने यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ ऐसी बात है? हाँ, यहाँ पे जो है वेस्टर्न, जो वेस्टर्न जो पश्चिमी शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ भारतीय संस्कार या परंपरा को भी जो ध्यान पे रखा गया। यहाँ पे एक डॉल हाउस में आपने देखा होगा, एक ड्राइंग रूम है, क्योंकि हमारे देश में अतिथि को भगवान माना जाता है, अतिथि देव भव। तो अतिथि को कैसे आपको वेलकम करना है, उसकी आवाभगत कैसे करना है, उसको सी ऑफ कैसे करना है, बच्चों को वो भी चीज़ें सिखाया जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो है प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी भी सिखाया जाएगा। तो भारतीय परंपरा और जो है वेस्टर्न जो मेथोडोलॉजी है, इन दोनों को बैलेंस करके जो है संतुलन बना के हम चलेंगे। फुलोरिया में बचपन जैसी संस्था का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे गाँव के बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, और वसंत पंचमी के दिन इसका उद्घाटन में वही स्कूल बहुत अच्छी से तरक्की करे, इसकी मैं कामना करता हूँ। आज सरस्वती पूजा है, पढ़ाई कैसा रहेगा यहाँ पर बच्चों के? जो ये प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, जब ज़्यादा किताबों का भार ना पड़े, बच्चा खेल खेल के सब सीख ले, अपनी आँखों से देखे, इसके लिए इस स्कूल का बड़ा महत्व है सब चेन स्कूल का। डॉक्टर साहब, इस समय अगर देखा जाए सर, जो बच्चों का एडुकेशन जो सिस्टम है, क्या आप उससे संतुष्ट है? कि क्योंकि आप लोगों ने सर एक समय का एडुकेशन देखा है, जो वर्तमान एडुकेशन है सर, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेरेंट्स, कैसा आपको महसूस होता है? पहले की शिक्षा ज़्यादातर किताबों में सीमित हुआ करती थी, किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। आजकल जो इस एजुकेशन जो चल रहा है, वो खेल खेल के सिखाया जाना, सब प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, ये इस स्कूल की खासियत है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब मेरे स्कूल का, और फिर ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं, इसमें बच्चे एकदम जैसे घर से फ्री माइंड होके आएंगे और इनको फ्री माइंड होकर जाएंगे। यार इन स्कूलों में बच्चों को किताबों का बहुत ध्यान दिया गया है। वाराणसी में 12वां ब्रांच आप खोल रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट, रिजल्ट हर एक का पॉजिटिव ही होता है, बस आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो, बच्चों को किस तरीके से शिक्षण संस्था देते हो, बच्चों को किस हिसाब से आप टाइट करते हो, नहीं कराते हो, डोनेट कराते हो, जो भी कुछ करते हो, उस हिसाब से रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। बसरते हमारे एक एवी रूम में अगर बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, तो हम उसको वीडियो प्ले के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। बचपन में एक खास बात तो स्कूल में देखा जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है किताबें भी बोलती हैं। ओके, यहाँ बचपन प्ले स्कूल का सबसे बड़ा खासियत है किताबें भी बोलती हैं। जैसे A4 एम्पल बना हुआ है, तो ये किताब को पेन हमारे पास, अगर आप इसके ऊपर स्क्रीन पर पेन करो।